हेलो, माय सीएस एग्जीक्यूटिव फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। देखो, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। अगर हम दिसंबर को हटा देते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स लेफ्ट हैं। एंड आई होप जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है 4 मंथ्स की, वो आप उसे फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अगर देखो उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या किसी बच्चे को कोई चीज़ सेट नहीं बैठ रही है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हो। साथ ही में जो बेनिफिट्स आपको फील हो रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को जो आप फॉलो कर रहे हो उससे, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और नए नए यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर सीएस एग्जाम्स लाने में अच्छा लगता है। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस फॉर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर, अगर जैसे बहुत टाइम कम, अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन इन केस टाइम कम रहता है तो आप कुछ चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ के भी जा सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि देखो, हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी एबिलिटी टू कम्प्लीट सिलेबस ऑन टाइम अलग अलग होती है। बहुत सारे फैक्टर्स और डिपेंड करते हैं, उसके पास गाइडेंस है नहीं है, बट अल्टीमेटली हमारा क्या गोल है, हमारा गोल है टू क्लियर सीएस एग्जाम्स। ठीक है, अब उसमें आपकी अगर बिल्कुल भी यू नो कैपेसिटी नहीं है और आप बहुत स्मूथली चल रहे हो तो मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगी जो आप छोड़ के भी चले जाओ तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करते हैं हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स, मतलब इन एनी केस आपको ये वाले चैप्टर स्किप नहीं करने हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप ओल्ड सिलेबस में हो चाहे आप न्यू सिलेबस में हो। ठीक है, तो उसमें कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, सीएसआर, अकाउंट्स ऑडिट, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट पावर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी, जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड कमिटीज, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। आप ये अलग अलग कलर से देख रहे हो, ये जो आपका पर्पल वाला कलर है ना, ये सारे ओल्ड मॉड्यूल के हिसाब से है, ओल्ड मॉड्यूल जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नए बच्चों में ये चैप्टर्स जो ऊपर हैं वो तो हैं ही, ठीक है, सेम है सिलेबस, बट जो एडिशनल चैप्टर्स हैं वो आपके ये वाले हैं न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ बोथ दी सिलेबस एंड जो चैप्टर्स आपके हिसाब से, आप न्यू में हो ओल्ड में हो उसके हिसाब से आपको ये करने हैं। ठीक है, अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो ये सारे चैप्टर्स आपको सारे करने हैं, अगर आप ओल्ड में हो तो ओल्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पर्पल वाले देखकर करने हैं, बिकॉज और जो सारे चैप्टर्स हैं वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई और कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में हैं उनके लिए ये पर्पल से जो मैंने लिखा हुआ है वो सारे चैप्टर्स प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, और जो बच्चे न्यू सिलेबस में दे रहे हैं उनके लिए ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आपका एडिशनल चैप्टर है। पर्पल वाले से जो लिखे हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता है वो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब हम सेकेंड कैटेगरी में आते हैं जो आपकी बी कैटेगरी है, जो है आपके हाई प्रायोरिटी नहीं बट प्रायोरिटी चैप्टर्स। ठीक है, ये आपके प्रायोरिटी ना सही, हाईएस्ट प्रायोरिटी ना सही, बट आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, तो इनको भी आपको किसी भी तरीके से स्किप नहीं करना है। ठीक है, जिसमें कि आपका शेयर कैपिटल, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डेट कैपिटल, चार्जेस, डिविडेंड, ट्रांसपेरेंसी, लोन इन्वेस्टमेंट्स, और जो बच्चे न्यू सिलेबस में हैं उनका एक चैप्टर है डोरमेंट कंपनी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको डोरमेंट कंपनी भी करना है, और जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो सारा जो पर्पल से लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे। और ये जो चैप्टर्स मैंने दिए हुए हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके एज पर योर मॉड्यूल हैं। ठीक है, आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, किसी भी टीचर की बुक रेफर कर रहे हो, इट्स ओके, बट आप एक बार अपने मॉड्यूल में जाके इसको जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो अलग तरीके से चैप्टर्स के नाम और नंबरिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, पार्ट सी में आपका, मतलब सॉरी, सी कैटेगरी है उसमें आपका सबसे पहले है पार्ट सी, देन वर्चुअल मीटिंग्स, एमसीए, एक्सबीआरएल, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप स्किप कर सकते हो ना बेटा, वो आपके ये चैप्टर्स हैं। एक मिनट, ये वाले जो चैप्टर है ना, ये वाले चैप्टर्स, वर्चुअल मीटिंग्स, एमसीए, एक्सबीआरएल, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, ये तीन चैप्टर एज पर योर ओल्ड सिलेबस, ठीक है, ये तीन चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो। न्यू सिलेबस में भी आपका वर्चुअल मीटिंग्स कॉमन है, आप छोड़ सकते हो, बट लिसन, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम है जिस टाइम आपके पास यू नो बिल्कुल एंड आ गया और टाइम नहीं बचा है, उस केस में आप ये तीन चैप्टर्स छोड़ के जा सकते हो, बट कोशिश करना कि ये भी हो जाए, क्योंकि इसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 15 मार्क्स का भी आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक आपका पॉइंट जो एक एक मार्क है आपका वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पार्ट सी तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसमें मेगा फॉर्म्स वगैरह हैं वो देख सकते हो आप, वो छोड़ सकते हो, या फिर पता है सबसे इजी तरीका क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, और कि मैं पूरा एक चैप्टर रिवाइज करूं या स्टार्टिंग से करूं, तो सबसे इजीएस्ट चीज़ है कि आप स्कैनर करके चले जाओ, उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं,
आप बस उनको रिवाइज करके चले जाओ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकते। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बेस्ट है कि जो स्कैनर्स हैं, जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स, वो आप रिवाइज कर लो बस, एंड मोमेंट पे सबसे बेस्ट चीज वो है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा एबीसी एनालिसिस ऑफ कंपनी लॉ। साथ ही में बेटा मेरी रिविजनरी वीडियोज आ रही हैं, ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है अलग से बिल्कुल, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी रोज चेकआउट करो और आपको रिविजनरी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही में एक चीज मैं और बता दूं कि 28 अगस्त से मेरा एक फ्रेश बैच, रिविजनरी बैच स्टार्ट हो रहा है कंपनी लॉ का, ठीक है, 28 अगस्त से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अभी की अभी एनरोल कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो लिमिट है वो ओनली सुपर 30 है। मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है सुपर 30 इज द लिमिट, मतलब मैं इसमें सिर्फ 30 बच्चे लूंगी। सारी डिटेल जो है वो आपको उस फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अभी से कर लो, ताकि अभी से रजिस्टर कराओगे तो ताकि टाइमली हम बैच स्टार्ट कर पाएंगे और आपके ऊपर ध्यान दे पाऊंगी। यही सिर्फ एक रीजन है कि मैंने सुपर 30 लॉन्च किया है, ठीक है। आई वॉन्ट माई 100% रिजल्ट कि मेरे 30 के 30 स्टूडेंट्स एग्जेम्पशन लाएं कंपनी लॉ में और अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। मतलब ये चीज की तो गारंटी है कि अगर आपने सुपर 30 में कर लिया और मेरी क्लासेस ले ली तो आपकी एग्जेम्पशन आ जाएगी कि आपको कंपनी लॉ का पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और सब्जेक्ट्स की मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, बट हाँ, कंपनी लॉ का पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, यू विल गेट एग्जेम्पशन इन कंपनी लॉ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दिस एबीसी एनालिसिस, ठीक है। साथ ही में जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी PDF नोट्स, सारा कुछ मटेरियल रिलेवेंट टू December 24 अटेम्प्ट मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ एक एक करके। बहुत जल्दी आपकी इसकी अमेंडमेंट की क्लास भी आएगी, अमेंडमेंट के नोट्स भी आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जो भी आपकी क्वेरी उसे कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना।